हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फिनेंशियल बाजार में जो आपका खुद का चैनल है उसमें आपका स्वागत है। एंड जिस वीडियो से रिलेटेड हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं, एक 4 रुपये का मल्टी बैगर डेट फ्री स्टॉक है, उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। काफ़ी दिन से मैं उसे देख रहा था, तो काफ़ी अपर सर्किट में चल रहा था, तो अभी लोअर सर्किट मतलब अभी मौका मिला है उसे थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीदने का। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं उसके फंडामेंटल्स। बट बिफोर दैट आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ओके, एज वेल एज अगर बात की जाए, आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, फ्री में आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करते साथ किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, नंबर 1 सेबी रजिस्टर्ड, जो कि मेन है, नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है, 0 डिलीवरी चार्जेस है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, एज वेल एज अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा है, इनकी कस्टमर सर्विस भी है। तो आइए शेयर की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, 4 रुपये का शेयर है, आपके सामने दिख रहा है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। देखिए, बहुत पुराना शेयर है, छोटा मोटा शेयर भी नहीं है, बहुत पुराना 2002 से शेयर है, और पॉइंट्स में मतलब पैसों में चलता था ये शेयर। और अगर हम बात करें तो बहुत ऊपर तक 18-19 रुपये तक भी गया, तो वॉलीटिलिटी भी उसी तरीके से है। 4 रुपये का शेयर है, छोटी सी कंपनी है, ओके, मेरी ख्याल से कुछ ही करोड़ रुपए की कंपनी है, तो इसी तरीके का आप इससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट डेट फ्री है, मेन ये चीज़ है। और जिस हिसाब से हम अगर देख रहे हैं इसका परफॉर्मेंस, देखिए 5 दिन से अपर सर्किट में ही ये चल रहा है, जब से लोगों की नज़रों में आया है। अगर 1 मंथ की बात की जाए तो देखिए, अच्छे खासे रिटर्न्स भी हमें देते हुए यहाँ पर मिल रहा है ये शेयर, ओके, एज वेल एज 6 मंथ में भी अच्छा खासा। देखिए, यही कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा था ये, और फिर एक साथ ही इसने जंप दिखाई, और फिर देखिए अभी लगभग 4 रुपये पे आ चुका है ये शेयर। तो जैसे अलग मैंने एक वीडियो बनाई थी, जैसे ऊर्जा ग्लोबल हो गया या फिर आपका ट्राइडेंट हो गया, इसी तरीके से चलते हैं छोटे मोटे शेयर, और फिर जैसे भागते हैं तो इसी तरीके से आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देके चले जाते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 0 डेट फ्री है, स्टॉक है, और कोई भी इस पे ऊपर कर्ज नहीं है। तो जिस कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड। अब आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड करती क्या है, तो देखिए ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ओके, जहाँ पर ये अलग अलग कंपनीज में, और अगर बात की जाए तो वी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन ब्लू चिप स्क्रिप्ट। तो मतलब ये मोस्टली ना बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, लॉन्ग टर्म ब्लू चिप कंपनीज होती है, उसमें ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके, तो उसी से ये पैसा कमाते हैं। और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है, बहुत बार मतलब बोनस स्प्लिट राइट इशू सब कुछ लेके आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आशीर्वाद कैपिटल ऑपरेट्स एज अ प्रोवाइड ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्विस एंड इज इंगेज इन ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज और सिक्योरिटीज, जैसे कि शेयर्स का लेना देना, यही इन चीज़ों में ही ये काम करती है कंपनी। और कंपनी बड़ी छोटी है, मतलब मार्केट कैपिटल देखेंगे ना, माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं इसे, मतलब माइक्रो से भी छोटी है, 18.2 करोड़ रुपीज़ की मार्केट कैपिटल है। पी रेशो आप देखिए 41.4 है, जो कि बहुत ज़्यादा है हमें नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू 1.56 है, जो कि अभी 4.56 रुपीज़ पे चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से इसमें अपर सर्किट लगता हुआ आ रहा है, बट आज के दिन में लोअर सर्किट पे ये आ गया है, और इसे खरीदने का भी एक तरीके से मौका मिला है। बट छोटी कंपनी है, तो हमेशा की तरह डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ज़्यादा पैसा इसमें लगाने का नहीं होता, क्योंकि ये भागती भी तेज है, जैसे अपर सर्किट में चल रही थी वो गिरेगी तो फिर लोअर सर्किट में चलेगी, तो आप अटके रह सकते हो। तो थोड़ा बहुत पैसा बने, चुपचाप निकाल लो, ओके, और ज़्यादा पैसा नहीं, 500-1000 रुपये या फिर 100 रुपये ही लगा के इस कंपनी में देख लेना, 10-15-20 शेयर खरीदना और बस। अगर बात की जाए इस यहाँ पर डिविडेंड, तो कंपनी देखिए छोटी सी कंपनी है, 4 रुपये की कंपनी है, और डिविडेंड देखिए 14, 15, 17, 18, 19 हर साल मतलब ये डिविडेंड देती आई है। बोनस की बात करें तो जैसे बता चुका हूँ, बहुत पुरानी कंपनी है, 2008 में यहाँ पर देखिए बोनस लाया था 3:5 का। स्प्लिट की बात की जाए, देखिए कंपनी ने 2006 में एक बार स्प्लिट भी किया, 10 का फेस वैल्यू 1 का हो गया है। राइट इशू की बात करें तो देखिए 1996 में यहाँ पर एक बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार राइट इशू भी लाती हुई कंपनी देखी है। अगर बात करें इसके बैलेंस शीट और सारे सॉरी अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, मतलब छोटी सी कंपनी है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेल्स की देख लीजिए,
सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लगभग इस सितंबर में जहाँ पर मार्च में केवल कितने 0.02 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर सेल्स थी, जो अभी बढ़ के लगभग 35 लाख रुपए की सेल्स हो चुकी है। एक्सपेंसेस उसी हिसाब से एक्सपेंसिव भी कमी है इस कंपनी के। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी देखिए कहाँ 11 लाख रुपए का प्रॉफिट था जो बढ़ते बढ़ते, और बीच में तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए मार्च 2020 में तो केवल 0.02 जितना इसने कमाया। ओके, वही जो सेल्स थी वही इसका प्रॉफिट था, और अभी बढ़ के लगभग 27.27 करोड़ रुपीज़ का, मतलब 27 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ यहाँ नज़र आया। ईयरली बेस की बात की जाए 2008 से, सॉरी, तो सेल्स देखिए सेल्स घटती हुई हमें नज़र आई है। ओके, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीने में लगभग 0.57 लाख रुपीज़ की यहाँ पर सेल्स होती हुई नज़र आई है। एक्सपेंस भी कमी है कंपनी के, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट का ही काम है। नेट प्रॉफिट देखें तो 0.44 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, जो कि घाटे से प्रॉफिट में आते हुए नज़र आ रही है। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए, जो कि बैलेंस शीट काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे नज़र आई, देखिए रिजर्व्स देखिए कंपनी के पास रिजर्व्स लगभग 2.26 करोड़ रुपीज़ की के तो रिजर्व्स है। ओके, एज वेल एज बोरिंग की बात की जाए तो कंपनी देखिए नेट डेट फ्री कंपनी है, मतलब पूरी की पूरी डेट फ्री कंपनी है। 0.00, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का ही इनका काम है, तो 4.98 लगभग 5 करोड़ रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है। और इनके हाथ में कैश भी है, कितना 1.23 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर कैश भी रख रखा है। टोटल एसेट की बात की जाए तो 6.38 करोड़ रुपीज़ का टोटल एसेट है। कैश फ्लो जो नेगेटिव में चल रहा था लगभग पॉजिटिव में आ गया 0.14 करोड़ रुपीज़ का। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए कंटिन्यूसली सेम है, लगभग 51% की यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, और अलग अलग लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद रखी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम। अगर हम बात करें यहाँ पर DIS की, तो देखिए DIS के पास किसी भी तरीके की हिस्सेदारी इसमें नहीं है, पहले थी बीच में बट उन्होंने हटा दिया। और पब्लिक की बात करें तो देखिए लोग यहाँ पर भी अलग अलग पब्लिक ने हिस्सेदारी ले रखी है, लगभग 49% की यहाँ पर हिस्सेदारी अलग अलग लोगों ने ही ले रखी, किसी ने 2% के, किसी ने 1% के, किसी ने 3% की, किसी ने 4% की, इस तरीके से हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद रखी है। छोटा सा शेयर है, माइक्रो कैप कंपनी है, एज वेल एज डेट फ्री कंपनी है, मेन बात यह है। तो इसमें आप छोटा मोटा पैसा लगा के भूल सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट अगर हो गया, कंपनी चल गई तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले, क्योंकि डेट फ्री कंपनी तो है ही है, छोटी सी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट का काम है इन कंपनी का, और जिस हिसाब से अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चलती है तो चांसेस फंसने के भी हो सकते हैं। बट डेट फ्री कंपनी थी ये, और बैलेंस शीट अट्रैक्टिव थी, इस वजह से मैंने ये शेयर आपको यहाँ पर ला के प्रेजेंट कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।